सेंट्रल गवर्नमेंट अब बंगाल में ईडी द्वारा भ्रष्टाचारियों की जब्त की गई करीब 3000 करोड़ रुपए की कमाई, अवैध संपत्तियों और राशियों को गरीबों को लौटाने की तैयारी कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के नदिया जिले की कृष्णनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही भाजपा प्रत्याशी कृष्णनगर राजघराने की राजमाता अमृता राय से इस बारे में बातचीत की। पीएम ने इस संबंध में कानूनी रास्ते खोजने की बात कही है। राजमाता के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने महुआ मोइत्रा को उम्मीदवार बनाया है और कहा है कि बंगाल में ईडी ने गरीबों से लूटी गई करीब 3000 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं, जिससे उन्हीं गरीबों को वापस लौटाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके लिए कानूनी परामर्श लिए जा रहे हैं। वो उन कानूनी विकल्पों पर काम कर रहे हैं जो ये सुनिश्चित कर सके कि बंगाल में टीचर्स, क्लर्क की नौकरी आदि के लिए रिश्वत के तौर पर जिन गरीबों का पैसा लूटा गया, वो उन भ्रष्टाचारियों की जब्त संपत्तियों के जरिए उन तक वापस पहुंच जाए।